अतिक्रमण और पॉलीथिन बिक्री पर नगर परिषद खनिया थाना की धमाकेदार कार्यवाही। नगर परिषद खनिया थाना पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। एक दर्जन दुकानों पर दबिश देकर जब्त की 2 क्विंटल पॉलीथिन बैग। जिलाधीश महोदय शिवपुरी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आज नगर परिषद खनिया थाना और पुलिस प्रशासन खनिया थाना की संयुक्त टीम के नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों और दुकानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 क्विंटल पॉलीथिन बैग जब्त कर अर्थदंड की कार्रवाई से नगर परिषद की टीम ने सभी दुकानदारों से अनुरोध किया कि वो प्लास्टिक की जगह कपड़े का या जूट का बना हुआ बैग का इस्तेमाल करें और अपने ग्राहकों को भी जूट का बैग ही दें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कदम से नगर को यहां पर प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग मिल सकेगा। साथ ही साथ नगर परिषद की टीम यहां पर मौजूद थी और नगर परिषद की कार्रवाई की खबर लगते ही कई बड़े दुकानदारों ने पहले अपने प्रतिष्ठानों से पॉलीथिन बैग छुपा दिए, जिससे कि कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन नगर परिषद की टीम ने ऐसी कार्रवाई लगातार करती रहती है, तो शीघ्र ही नगर को पॉलीथिन जैसे जहर से मुक्ति मिल जाएगी और नगर परिषद की टीम में नगर में जगह जगह आम नागरिकों को भी पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील की, जिससे कि नगर को स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण मिल सके। या जो नगर परिषद की जो कार्रवाई हुई है पॉलीथिन के ऊपर, कितने दुकानदारों पर ये कार्रवाई हुई है और ये कब तक जारी रहेगी? ये पॉलीथिन नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सन 2016 के अधिनियम के तहत हमारे कलेक्टर साहब ने जो निर्देश जारी किए थे उनके परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है आज। और इसमें लगभग हमने 8 लोगों के चालान किए हैं, जिनमें 8 लोगों ने स्पॉट फाइन भी जमा किया है, जिसमें तकरीबन 8,500 राशि नगर परिषद खनिया थाना को प्राप्त हुई है। उसके साथ ही साथ लगभग 1.5 से 2 क्विंटल, अब एग्जैक्ट अनुमान नहीं है उसका, तो 1.5 से 2 क्विंटल पॉलीथिन भी हम लोगों ने जब्त की है और ये कार्रवाई हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। इसके साथ ही पॉलीथिन के साथ साथ गंदगी, स्पॉट फाइन और अतिक्रमण के भी आज चालानी कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग रहा, तहसील प्रशासन का हमें सहयोग रहा। अतिक्रमण की लगातार नगर में दिक्कत आ रही है, अतिक्रमण लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस पे आगे कोई ऐसी प्लानिंग है कि अतिक्रमण पे अधिक से अधिक जोर दिया जाए अतिक्रमण हटाने पर? बिल्कुल बिल्कुल, अतिक्रमण पे हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ ही हमें जहाँ से सूचना मिलती है उसके दस्तावेज हम या तो शीघ्र प्रस्तुत करवाते हैं और अगर ना मिलने पर हम वैधानिक कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद।